बहुत बड़ा हादसा होने से बचा तो मर ही जाती मैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। पूजा निषाद ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि आज नटुल जी बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। मेरे पास इस सिचुएशन में ना ही कॉल उनका आ रहा, ना ही हाल चाल पूछ रहे हैं। फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, और इतना ज़्यादा वो अपनी पार्टी में बिजी हैं कि मेरा ख्याल ही नहीं है उनको। दोस्तों, रात को मेरी इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि ऐसा लग रहा था कि मैं बचूंगी नहीं। मेरी हालत बहुत ज़्यादा अजीब हो गया था, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मुझे हो क्या जा रहा है। और आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद रहेगा तो शायद सब कुछ ठीक होगा, लेकिन कहा जाता है कि अपनों का साथ ज़रूरी होता है मुसीबतों में। मेरा तो कोई अपना ही साथ ही नहीं देने वाला है, क्योंकि नटुल तो फ़ोन करने वाले नहीं हैं। उनका कहना है कि तुम फ़ोन करो। आप ही बताइए, मैं इस सिचुएशन में हूँ, फ़ोन करने पर इंसान ये बोल दे रहा है कि मैं बिजी हूँ, और पब्लिक आवाज़ सुनाई दे तो फ़ोन तुरंत काट दिया करो। क्या मुझे प्रॉब्लम हो रही तो ये भी ना बताऊँ? मेरा हक ही नहीं है उन पर थोड़ा भी, तो शायद उनको अच्छा ना लगे। मेरी जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम हो रही है, उनको बता रही हूँ तो उनको गुस्सा आ रहा है, और कहीं ले जा भी नहीं रहे, मतलब दिखाने के लिए, और टेंशन तो बहुत ज़्यादा दे रहे हैं कि हम कुछ कह ही नहीं सकते। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ दोस्तों, और आप लोग हैं, सपोर्ट करिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि जो भी तकदीर में लिखा है, अगर अनहोनी है तो अनहोनी ही हो जाए, अगर ठीक है तो ठीक ही हो जाए। बस यही कहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार चुकी हूँ, अपनों से ही हारी हूँ और पहले से ही हारती आ रही हूँ, तो अब तो एकदम मेरे नटुल जी मुझे तोड़ दे रहे हैं। और कुछ नहीं कहेंगे, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नटुल जी ऐसा ना करें, फ़ोन भी नहीं किए, इतना ज़्यादा बिजी होना भी ठीक नहीं है। बट हो सकता है उनके लाइफ में कोई और हो, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, जय माता जी।